हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी पार्ट टू वर्ड्स टॉप कॉलेजेस, जहाँ पे हम एस्पायरेंट्स को गाइड करते हैं सो दैट दे कैन गेट देयर फेवरेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, दे कैन गेट इनटू देयर ड्रीम यूनिवर्सिटीज लाइक जेएनयू, डीयू। जनरली लोग उसमें जाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर गाइड करते हैं और अपने बैचेस भी चलाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पर्टिकुलरली हिस्ट्री के बारे में है, अगर आपको बैच वगैरह ज्वाइन करने हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं, आपको बेटर गाइडेंस मिलता है रिलेटेड टू वेबिनार्स या जो भी हम क्यूए सेशन वहां पे कंडक्ट कराते हैं, तो वो आपको वहां मिलेंगे। तो आप एक बार हिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो में हमारे साथ हैं कायनात, जिन्होंने सीवीटी क्लियर किया है, सीवीटी पीजी हमारे बैच की स्टूडेंट रही है वो पहले, और उन्होंने बहुत ही टॉप मोस्ट और प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन लिया है डीयू के एलएसआर में, लेडी श्रीराम कॉलेज, एंड शी इज डन वंडर्स। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट हर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस कायनात, थैंक यू मैम। एंड वेलकम टू आवर पोर्टल टुडे। गुड टू सी यू हियर। लवली टू बी हियर। ओके, सो आज हम कायनात से बात करने वाले हैं बेसिकली कि उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है या फिर उन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखा है इस एंट्रेंस की प्रिपरेशन में, सो दैट आगे भी जो बच्चे होंगे या और भी जो लोग इसे देख रहे होंगे ओवरऑल, नॉट ओनली दोज हु आर अ पार्ट ऑफ आवर बैच बट अदर्स ऑल्सो, सो दैट उनको एक हेल्प मिल सके कि क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए, क्या नहीं रखने चाहिए, या इन्होंने इतना अच्छा कॉलेज लिया है दैट मीन्स मार्क्स भी बहुत अच्छे होंगे, तो क्या एक्चुअली फॉलो किया है जिसके थ्रू वो यहाँ तक आ पाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, है ना? ओके, यस मैम, तो मैं तो मैम, शुरू करना चाहूँ। यस मैम, हाँ माई फर्स्ट क्वेश्चन टूवर्ड्स यू इज दैट वट स्ट्रैटेजी यू एक्चुअली ऑप्टेड फॉर, क्या आपने सोचा था कि मतलब कितना कवर करना है, कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है, या होता है ना माइंड में एक हम फ्रेमवर्क बनाते हैं, तो आप थोड़ा सा उस पे एक्सप्लेन करिए। ओके मैम, सी विथ मी ये था कि मैंने प्रिपरेशन थोड़ी लेट स्टार्ट की थी। आई डिसाइडेड इन मार्च के मुझे सीवेट देना है। उसके बाद मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था बिकॉज द एग्ज़ाम इटसेल्फ टुक प्लेस इन जून। तो मैंने आपकी ही वीडियो सबसे पहले यूट्यूब पे मैंने सर्च किया था सीवेट पीजी हिस्ट्री। तो आपकी वीडियो इट वॉज द फर्स्ट वन टू स्प्रिंग अप। तो मैंने खोला एंड आई रियली लाइक योर टीचिंग स्टाइल एंड द वे यू वर डिस्कसिंग द क्वेश्चन पेपर इफ आई रिमेम्बर। तो मुझे लगा कि नहीं, ये मैं करती हूँ इसके साथ। तब तक भी मतलब मैं पूरी तरह से श्योर नहीं थी। फिर आपकी क्लासेस ली मैंने, तो वो शुरू हुआ। आप फिर बेसिक बुक्स जो थी, क्योंकि मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की थी थोड़ी बहुत, तो मुझे आइडिया था। जैसे मैंने आर एस शर्मा पढ़ी हुई थी, ओल्ड एनसीईआरटी उसकी पहले, तो वो मैंने थरली पढ़ी। सतीश चंद्रा की मैंने दोनों वॉल्यूम्स नहीं की, आई डेंट हैव द टाइम टू कवर इट होल, तो मैंने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी। और स्पेक्ट्रम, आपकी क्लासेस के नोट्स वो मेजरली मतलब अ कंपाइलेशन ऑफ स्पेक्ट्रम एंड शेखर बंदोपाध्याय। तो वहाँ से वो मेरी दोनों बुक्स कवर हो जाती थी। जो भी एक्स्ट्रा होता था वो मैं स्पेक्ट्रम का मतलब रीडिंग्स लगा लेती थी, बट योर नोट्स वो मोर देन इनफ फॉर मॉडर्न। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। एक पॉइंट मैं बोलूंगी, मैंने उपेंद्र सिंह नहीं पढ़ी थी, बट आई रिग्रेटेड अ बिट, क्योंकि इस बार बहुत एंशियंट सेंट्रिक पेपर था। और अगर जो बच्चे उपेंद्र सिंह पढ़े होंगे तो उनके काफी मतलब क्वेश्चंस लगे होंगे पेपर से, क्योंकि डायरेक्ट देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक। तो वो एक चीज है कि मे बी पीपल शुड रिप्लेस आर एस शर्मा एंड डू उपेंद्र सिंह इंस्टेड, अ गुड रीडिंग ऑफ दैट बुक, वो फिर आपका एंशियंट सॉर्टेड है। और क्वेश्चंस लगाना चाहिए, नेट की एक पर्पल बुक आती है अरिहंत की, वो लेकर अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाएं तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है। ओके, थैंक यू। तो जैसे कि कायनात ने बताया है कि किस तरीके से जो बेसिक बुक्स हैं आपको पढ़नी चाहिए, अदर देन दैट उन्होंने सतीश चंद्रा कवर नहीं की थी, वो नोट्स में से कवर कर ली थी, बट जो बुक्स हैं अगर आप कहीं किसी नोट्स में से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जैसा कि उन्होंने बताया कि कवर करनी ही पड़ेंगी कहीं ना कहीं, उपेंद्र सिंह, सतीश चंद्रा, शेखर बंदोपाध्याय, है ना, फॉर बीइंग फैक्चुअल स्पेक्ट्रम, तो उसका कंपाइलेशन आपको अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं तो एक तरीके से आपको खुद से कंपाइल करके उस तरीके से आपको पढ़ना है, तभी आपको बहुत अच्छा कॉलेज कोई मिल पाएगा। सो दिस इज क्लियर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज लाइक आपको क्या लगता है कि लाइक रोल, क्या रोल रहा क्लासेस का, टेस्ट सीरीज का, या फिर जो भी गाइडेंस आपको मिला या मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड करे, तो हाउ फार इट वॉज हेल्पफुल और बेनिफिशियल? क्लासेस से मुझको लगता है एक आपके नोट्स तो बहुत हेल्पफुल थे, क्योंकि मॉडर्न में ऑनेस्टली आई डिड नॉट डू मच एक्सेप्ट फॉर योर नोट्स। आई स्टिल हैव इट
आई स्टिल हैव अ पीस ऑफ योर. ये तो ये ओह आपने दैट्स वंडरफुल. 1857 रिवोल्ट का एक बार टैबुलर फॉर्म में कराया था, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया था. ये ट्राइबल मूवमेंट्स ये सब बहुत इजी हो गया था रिवीजन के लिए. और एग्जाम में डायरेक्ट 4-5 क्वेश्चंस थे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स और ट्राइबल मूवमेंट के जो लगे. तो मॉडर्न तो सेट था, और क्लासेस से ये था कि एक अकाउंटेबिलिटी थी कि क्लास हो रही है तो फिर मतलब आप फॉलो कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप बीच में स्लैक नहीं कर रहे हो. और टेस्ट सीरीज मैंने बहुत तो नहीं लगाई थी, पर मुझको याद है एग्जाम के एक दिन पहले, 1-2 दिन पहले मुझको बहुत डीमोटिवेटेड फील हो रहा था कि मेरा नहीं होगा, मैं क्यों ही दे रही हूँ, मैंने तो पढ़ी भी नहीं है, मतलब अच्छे से उपिंदर सिंह नहीं पढ़ी है, ये सब मुझको बहुत फील हो रहा था. तो उस वक्त मैंने ड्रीम यूनिवर्सिटी के 2 टेस्ट लगाए थे और आई स्कोर डिसेंटली. सो दैट वाज अ बिग मोटिवेटिंग फैक्टर आई फील फॉर मी कि मतलब वो टेस्ट में अच्छा स्कोर करना, वो फीलिंग टू हैव योर नेम एंड गेट कंपेयर्ड टू अदर पीपल जो दे रहे हैं एग्जाम, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो एग्जाम में. हाँ, तो टेस्ट सीरीज देखिए, कायनात ने भी जब टेस्ट सीरीज लगाई तो उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, बूस्टअप हुआ कि किस तरीके से आप जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं ना, आपको कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है. आपको बस लगता है आप बहुत सारी थ्योरी पढ़ रहे हो और उसके बाद यू आर जस्ट गोइंग थ्रू इट, और ऑन एंड ऑन समुंदर जैसा सिलेबस है जो चल रहा है. तो क्या हो रहा है, उसको रिफाइन कहाँ हो रहा है समझ नहीं आता है. सो आई थिंक उनकी वीडियो से मैं ये बुक्स के बारे में और टेस्ट सीरीज के बारे में पता चला कि कितना इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस लगाना और ये बुक्स कवर करना. मतलब या तो इनको कंपाइल आप कहीं से ले लो या फिर खुद से उन बुक्स को पढ़ के पूरा कंपाइल करो एक जगह. अदर देन दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो दैट कोई और सोर्स का है ना, कोई भी सोर्स अगर आपने इन बुक्स के अलावा इस्तेमाल किया हो तो आप बता दीजिए, नहीं तो वेल एंड गुड. आई थिंक ये बुक्स भी इनफ होती हैं, बट फिर भी कुछ अगर कराओ तो एक बार आप बता दीजिए. मैंने एक एक्स्ट्रा चीज ये की थी कि मैंने पार्ट ए के क्वेश्चंस थोड़े प्रैक्टिस कर लिए थे. एक दिशा पब्लिकेशंस की बुक आती है, इनफैक्ट ड्रीम यूनिवर्सिटी के भी टेस्ट थे, तो उसके थ्रू अगर आप पार्ट ए प्रिपेयर कर लेना तो आपका, क्योंकि डीयू पार्ट ए पार्ट बी बोथ कंसिडर करता है, जेएनयू कंसिडर्स ओनली डोमेन, बट डीयू दोनों कंसिडर करता है. तो मेरे मार्क्स पर्सनली डोमेन में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, पर मेरे पार्ट ए से बहुत कॉम्पनसेट हो गया मार्क्स. मतलब 65-70 मार्क्स आई गॉट थ्रू पार्ट ए, विच वॉज मतलब अ बिग, इट हेल्प मी इन क्लियरिंग द एग्जाम. तो पार्ट ए बच्चे प्रैक्टिस करें, इंग्लिश थोड़ा देख लें, रेन एंड मार्टिन थोड़ा वोकैबुलरी ये सब देख लें, मैथ्स थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, जनरल जीके अपना थोड़ा देखते रहें, पेपर न्यूज पेपर एंड एवरीथिंग. तो उससे क्या होता है कि आपका मार्क्स काफी बढ़ जाएगा, वो इग्नोर नहीं करें पार्ट ए. True. वही कि मतलब जो भी आपका गलत भी हो रहा है अगर डोमेन में तो पार्ट ए से वो कंपेंसेट हो गया. लेकिन जैसे कायनात का जो भी डोमेन में दिक्कत आया अभी एंशियंट हिस्ट्री में, तो वो कवर उससे हो गया जो पार्ट ए में उनका मतलब स्ट्रॉन्ग था टेस्ट सीरीज लगा के, या फिर वो जनरली पढ़ते रहते थे साथ में. डोमेन तो पढ़िए ही, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्ट ए भी इंपॉर्टेंट होता है. उससे क्या होता है, आपकी जो गलतियां हो रही है डोमेन में वो कवर अप हो जाती है किसी तरीके से. तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, थैंक यू सो मच कायनात. अदर देन वेलकम. दैट मैं एक चीज आप सबको बताना चाहूंगी बीच में ही, कि जो हमारा बैच है फर्दर, हम लोग अब नया बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं विद इन अक्टूबर. तो जो एस्पायरेंट्स हैं या जो ज्वाइन करना चाहते हैं या उसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या जो बैच नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं पर हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन या अलग से आप चाहते हैं कि हम लोग या इवन कायनात या फिर कोई भी और एलुमनाई जो है या फिर जो भी जिनका हुआ है सिलेक्शन, वो आपसे थोड़ी बहुत बात करें, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को. और वहां पे पूरा लिंक वगैरह हम लोग शेयर करते हैं जूम पे, जूम मीटिंग का, तो उससे आप वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे बैच का इन्फॉर्मेशन तो शेयर होगा ही. तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है. तो उसके थ्रू जनरली बच्चे आते हैं हमारे पास, नहीं भी जो लोग बैच लेते हैं उनका भी जो गाइडेंस है वो लोग हम कर देते हैं, कि वो एटलीस्ट प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी उनको पता चले, या कुछ भी है एग्जाम डेट है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्रेफरेंस कैसे फिल करने, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा. तो हिस्ट्री के एस्पायरेंट्स जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो प्लीज प्लीज फॉलो दिस चैनल सो दैट आप लोगों की हेल्प हो सके एक तरीके से, क्योंकि वरना हम सब क्लूलेस ही रहते हैं कहीं ना कहीं. तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल. अदर देन दैट यू टेल कायनात कैसा चल रहा है ड्यू में एक्सपीरियंस LSR में स्पेसिफिकली. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. मैंने तो अपना अंडर ग्रेड ड्यू से नहीं किया है, तो मेरे लिए उससे बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है. क्वालिटी बहुत अच्छी है यहाँ पढ़ाई की, काफ़ी मेंटली स्टिमुलेटिंग डिस्कोर्सेज होते हैं, प्रोफेसर्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैं.
बहुत टीचिंग स्टाइल इन लोगों का काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली और बहुत इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, सब्जेक्ट एरियाज इतने इंटरेस्टिंग हैं, हम लोगों को जेंडर पढ़ाया जा रहा है, हम लोगों को एंशियंट सोसाइटीज़ पढ़ाई जा रही हैं, कल्चर, मतलब बहुत सिलेबस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और टीयू के थ्रू आप इतने सारे सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, आप यू गेट टू मीट सच इन्फ्लुएंशियल, सच रिनाउंड पीपल। द अदर डे ओनली आई मेट इरफान, प्रोफेसर इरफान हबीब, एंड आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। सच सच अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर पीपल लाइक मी हु कम फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, बहुत बड़ा एक्सपोजर यहाँ से मिलता है, तो वो एक बिल्कुल है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा कायनात जान के कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और आप तो मेरी क्लासेस में भी बहुत रेगुलर और सिंसियर स्टूडेंट थी, तो मुझे कहीं ना कहीं भरोसा था कि कायनात और सृष्टि को तो एडमिशन मिल जाएगा, एंड डेफिनेटली दैट एक्चुअली हैपेंड। सो आप इवन सृष्टि शी गॉट इन टू सिंसियरली प्रिपरेशन जेएनयू करेंगे? तो मैं वही बोल रही थी कि अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे से नोट्स वगैरह पढ़ेंगे तो हो जाएगा, लाइक कायनात डेड, सृष्टि डेड, सो मेनी अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो डेड, सो हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना और डिसिप्लिन की जरूरत होती है आई थिंक। सो थैंक यू सो मच कायनात फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू मैम, इट थैंक वॉज यू अ फॉर प्लेजर टू हैविंग हैव यूनिवर्सिटी। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ड्रीम यूनिवर्सिटी को और करे अपने CUET अदर एंट्रेंसेस का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ।